समाज सेवी अरुण राय जी को। और इसके बाद चूंकि मैंने पहले भी कहा कि आज के सभागार में छात्रों से कहीं ज्यादा अधिक संख्या में छात्राएं हैं और पूरे विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं की कल्याण के बारे में चिंतन मनन का सोच रखने वाली मंचासीन अतिथियों में से एकमात्र महिला हम सब के बीच उपस्थित है। आने वाले 8 मार्च को भी हम महिला सशक्तिकरण के रूप में भी मनाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है, आने वाले दिनों में इसी तरह हम लोग विश्वविद्यालय में भी मनाएंगे, लेकिन आज की उपस्थिति पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम के बतौर DSW महोदया आज मंचासीन हैं। हम उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप आएं और आज के युवा संसद कार्यक्रम पर अपनी दो बात को रखेंगे। एक बार आप सबों की जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर पुष्पा मिश्रा। कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई उन्होंने नहीं की है, लेकिन परिवार कैसे चलाते हैं विपरीत परिस्थिति में भी, कम रिसोर्सेज में भी, वो उन्होंने इसको सीखा है और हम उनसे हम लोगों ने सीखा है। और जब शुरुआत हुई इतना आसान नहीं था, लड़कियों को शिक्षा दी गई और जब उनको साइकिल मिला तो साइकिल मिला चलने के लिए सही है, लेकिन उन्होंने साइकिल चलाना सीखा और इससे उनमें एक आत्मविश्वास आया। और आप ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आपको शायद याद हो, कोरोना काल में बिहार की लड़की थी ज्योति कुमारी, वो अपने बीमार पिता को दिल्ली से 1200 किलोमीटर उस साइकिल से लेकर आए, क्योंकि उस समय कोई आवागमन का साधन नहीं चल रहा था। तो एक धीरे धीरे परंपरा आगे बढ़ी और बच्चों ने ही मुझे कहा कि मैडम आर्मी में भी जो लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया इस पर आप कहें। तो आर्मी में जैसा आप जानते हैं कि पहले सिर्फ एज ए टीचर, डॉक्टर और नर्स ही लड़कियों की एंट्री होती थी, लेकिन अब क्या है, स्काई इज द ओपन, आकाश खुल गया। पहला जो सुखोई विमान उड़ाने वाली लड़की कौन है, सर आप नाम उनका जानती, अवनी चतुर्वेदी है ना, और राफेल उड़ाया था बिहार की शिवांगी सिंह ने, जो साइकिल दिया गया उनको, इसी की ये आगे की शुरुआत है। और हमारी जो वायुसेना है वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और उसमें जो पायलट की संख्या, महिला पायलट की संख्या है वो विश्व में सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि इन्फेंट्री में भी अब औरतें शामिल हो रही हैं और एज ए योद्धा, सिर्फ डॉक्टर और नर्स नहीं, योद्धा के तौर पर। और उत्तर पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर जो हमारा मतलब विहंगम सीमा है वहाँ पर भी इनकी पोस्टिंग हो रही है। जो हम लोगों ने शुरुआत में कहा था कि नीर न दो चाहे करनी की, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में भी लड़कियों से मेरा यही कहना है, बेटे इनसे आप लोग सीख लीजिए, तुरंत बीच में छोड़कर और ट्रेन पकड़ने की जल्दीबाजी मत कीजिए, एक लंबा रास्ता आपको तय करना है। और इन सबों के साथ हमको याद रखना है कि औरतें सिर्फ लड़ाई के मैदान में ही नहीं, परिवार में भी माता पिता का पूरा सहयोग करती है।
जब आप लोग घर से आती होंगी ना तो शायद माँ का की मदद करके ही यहाँ पढ़ने आती हूँ। तो इन सब चीज़ों को लेके जो एक कठिन परिस्थिति मिली है और उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हमेशा हमको याद रखना है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं बस सिर्फ ये दो लाइन कहना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियाँ, अंतरिक्ष को भेद डाला और अब हवाई जहाज उड़ाने लगी बेटियाँ, वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देकर अब श्मशान तक जाने लगी बेटियाँ। बस इससे ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद मैम।